दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं मेकअप लवर हूं और मुझे मेकअप से बहुत ज्यादा प्यार है और मुझे अपनी स्किन से भी उतना ही ज्यादा प्यार है जितना कि मुझे मेकअप से प्यार है। ऐसे में मैं अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हूं। और जब मैं उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करती हूं, अगर मुझे वो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तभी उनका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। तो ऐसे में कुछ टाइम पहले मैंने अभी एक प्रोडक्ट परचेज किया था, इसका नाम है VLCC सैंडल क्लिंजिंग मिल्क। जो है ये सैंडल फ्लेवर में है क्लिंजिंग मिल्क, और ये VLCC का क्लिंजिंग मिल्क है। और VLCC बहुत ही जाना माना ब्रांड है, किसी भी जानकारी का या किसी भी इंट्रो का मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। और मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूं, मैं आज बता देती हूं गाइस। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये प्रोडक्ट परचेज किया था, लेकिन जैसे ही मैं इसे यूज करने लगती हूं मेकअप को रिमूव करने के लिए, तो वैसे ही मेरी स्किन में चीक्स एरिया पर, इस पॉइंट पर जलन होने लगती है, बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है मुझे स्किन पर। और मैं जानती हूं VLCC के इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, मुझे सभी बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन इस एक क्लिंजिंग मिल्क के साथ मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। मे बी ये शायद मुझे सूट ना करा हो, क्योंकि मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम ही परचेज किया है दोस्तों। और इससे पहले मैंने VLCC का क्लिंजिंग मिल्क इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन हाँ VLCC की फेशियल्स और ब्लीच वगैरह मैंने इससे पहले इस्तेमाल की है, मुझे बहुत ही अच्छे लगे वो वाले प्रोडक्ट। मेकअप को रिमूव करने के लिए मैं हमेशा क्लिंजिंग मिल्क का इस्तेमाल करती हूँ। क्लिंजिंग मिल्क काफी अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, मॉइस्चराइज भी करता है हमारी स्किन को और काफी अच्छे से मेकअप को रिमूव भी करता है। तो आज तक मैंने जितने भी क्लिंजिंग मिल्क इस्तेमाल किए हैं उनका रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो प्लीज एक बार मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अब मैं बता देती हूँ गाइज कि मैं इस प्रोडक्ट के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही परचेज किया था, VLCC का सैंडल क्लिंजिंग मिल्क है ये। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे VLCC के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, मुझे सभी बहुत ही अच्छे लगे हैं और मैंने इसीलिए उनके बारे में अच्छा ही बताया है। जो प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे थे तो उसके बारे में मैं डेफिनेटली अच्छा ही बताऊंगी, और जो प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लगा तो डेफिनेटली उसके बारे में मैं यही बताऊंगी गाइस कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। हो सकता है शायद ये मेरी स्किन पर सूट ना कराओ, बट आपको यहां पर एक एडवाइस देना चाहूंगी दोस्तों, जब भी कोई नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक बार पैच टेस्ट जरूर कर देखिएगा। मैंने भी किया था, लेकिन उस टाइम पर मुझे कोई भी इचिंग वगैरह इरिटेशन नहीं हुई, लेकिन जब भी मैंने इसे मेकअप रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया है तो तभी मुझे इचिंग होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है चीक्स एरिया पर, यहां पर मुझे बहुत ज्यादा जलन होने लगती है और थोड़ी सी रेडनेस भी आ जाती है स्किन में। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए मैंने सिर्फ इसे 2 से 3 बार ही इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया। 2 से 3 बार में मुझे पता चल गया था कि शायद ये मेरी स्किन पर सूट नहीं कर रहा है, बट अब क्या करें कि प्रोडक्ट को परचेज किया है तो पैसा वसूल तो करना है भाई। मैं आपको बता देती हूँ मैं इसका यूज कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ कि इसकी पैकिंग कैसी है। आप देख सकते हो ये व्हाइट कलर की प्लास्टिक बॉटल में आती है, ये देखिए इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, इसकी लिड दिखा देती हूँ ओपन करके। ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है, ये देखिए काफी ट्रैवल फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली तो ये है ही। मुझे ऐसी लिड बहुत ज्यादा अच्छी लगती है गाइस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना तो ऐसी लिड ना जिन बॉटल्स की होती है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये इस्तेमाल करने में काफी इजी हो जाती है। तो सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है, ये आप देख सकते हो सैंडल बनी हुई है इसके ऊपर, और ये देखिए सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है। आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं कि नहीं, ये देखिए सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है। प्राइस की मैं अगर यहां पर बात करूं तो ये है 160 रूपीज इसकी प्राइस, लेकिन मुझे ये ऑफर में सिर्फ 112 रूपये में मिल गई थी। और इसकी परचेज लिंक मैं आपको दे दूंगी अगर आप यूज कर देखना चाहते हैं तो, लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। मे बी ये शायद मुझे सूट ना करा हो, और मेरी स्किन पर ये हो सकता है शायद सूट ना करा हो, मे बी आपकी स्किन पर सूट कर जाए। खुशबू इसकी काफी अच्छी है, और जैसे कोई भी क्रीम होती है मिल्क तो बिल्कुल वैसे ही है। मैं इसका टेक्सचर भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए काफी लिक्विडी इसे है इसका टेक्सचर जो आप देख सकते हो, ये देखिए शाइन भी बहुत अच्छी देती है आपकी स्किन में ये देखिए। ऐसे में आप क्या करते हैं दोस्तों कि अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीद लें और आपको सूट ना करे तो मैं क्या करती हूँ मैं बता देती हूँ। मैं इसे अपने फेस पर तो इस्तेमाल नहीं करती हूँ उस दिन के बाद से, लेकिन हाँ मैं अपने हाथों और पैरों की सफाई के लिए इसे जरूर इस्तेमाल करती हूँ। मैं इसे 2 से 3 मिनट तक अपने हाथों और पैरों पर अच्छे से मसाज कर लेती हूँ, उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छी ग्लो देकर जाता है आपकी स्किन में, आप देख भी सकते हो, ये देखिए दोनों में डिफरेंस भी आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए। तो मुझे वैसे तो एक क्लिंजिंग मिल्क हाथों और पैरों की सफाई के लिए बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं फेस पे इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एडवाइस नहीं कर सकती हूँ, आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप फेस पर इस्तेमाल करें। हो सकता है शायद ये मुझे सूट ना करा हो, लेकिन आप जब भी इसे यूज कर देखते हैं तो एक बार पैच टेस्ट जरूर कर देखेगा, हो सकता है शायद आपको सूट कर जाए। मेरा जो भी ओपिनियन था, मेरा जो भी इसके साथ एक्सपीरियंस था, तो वही मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया है गाइस, क्योंकि मुझे सूट नहीं करा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूं।
और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मैं जब भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूं तो डेफिनेटली मैं उसे पहले खुद पर ट्राई कर देखती हूं, यूज कर देखती हूं, उसे कुछ दिन उसके बाद ही मैं उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। तो ये प्रोडक्ट भी मैंने काफी टाइम से यूज करा, 3 से 4 बार तक मैंने इसे यूज करा। जब मैं बिल्कुल श्योर हो गई कि हाँ वाकई ही मुझे इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तभी आज मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। आई होप कि आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी सावधान हो जाए इसे इस्तेमाल करने से पहले। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वीएलसीसी के सभी प्रोडक्ट बेकार है, कुछ प्रोडक्ट जो मैंने यूज किए मुझे अच्छे भी लगे हैं, लेकिन हाँ ये मैंने फर्स्ट टाइम परचेज किया था, मुझे सूट नहीं किया इसलिए मैंने इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।